क्वेश्चन है, इफ टेम्परेचर ऑफ ए कंडक्टिंग वायर इज इंक्रीज देन विच फिजिकल क्वांटिटी इंक्रीज। अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो कौन सी क्वांटिटी इंक्रीज होगी, तो इसका जो आंसर आएगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा, रेजिस्टेंस। इसका आंसर आएगा रेजिस्टेंस, बिकॉज हमें पता है आर इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, आर नॉट वन, आर इक्वल टू हमारे पास आता है आर नॉट वन प्लस अल्फा डेल्टा टी। ये हम पढ़ते हैं, आर नॉट क्या होता है हमारे पास, रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस, एंड अल्फा हमारे पास क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ, कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, ये हमारे पास क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। एंड डेल्टा टी क्या होता है हमारे पास, टेम्परेचर, और आर हमारे पास क्या होता है, रेजिस्टेंस एट टी टेम्परेचर। ओके, तो इस केस में हमें पता है कि रेजिस्टेंस जो हो गया वो देखे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होगा, तो रेजिस्टेंस अगर इंक्रीज होगा तो हमारे पास क्या होगा, रेजिस्टेंस इंक्रीज तो हमारे पास टेम्परेचर भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। एक तो हमारे पास ये ऑप्शन है, एक हमने पढ़ा है कि जो रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है, एम एल डिवाइड बाय में एनी, एम एल डिवाइड बाय में हमारे पास क्या होता है, एनी इंक्रीज होगा, और टेम्परेचर क्या होगा, रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा तो टेम्परेचर भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो एक हमारे पास ये ऑप्शन भी होता है, ml ml डिवाइड बाय में n स्क्वायर a tau, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। तो रिलैक्सेशन टाइम अगर डिक्रीज हो जाएगा तो हमारे पास क्या होगा, रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा, अगर रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा तो हमारे पास टेम्परेचर भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो दो इसके ऑप्शन हो सकते हैं, तो दिस इज द क्वेश्चन।